क्या आप 2020 में, फिर उसके बाद 2021 में और उसके बाद कई सालों तक बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं ब्लॉगिंग या एफिलिएट मार्केटिंग के माध्यम से, तो इसमें ज़रूरी है कि हम किस विषय पर, किस टॉपिक पर, किस सब्जेक्ट पर ब्लॉग बनाएं या अपनी वेबसाइट बनाएं जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक मिले, बल्कि उस ट्रैफिक की ग्रोथ होती रहे और उस सब्जेक्ट पर सर्चेस भी बढ़ती रहें। तो लीजिए, इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ एक नहीं, दो नहीं, 10 ऐसी निशेस जिसमें अगर आप ब्लॉग बनाते हैं तो आपको ना केवल एडसेंस से या किसी और एड नेटवर्क के माध्यम से अच्छी कमाई हो सकती है, परंतु आप उसमें अच्छे खासे एफिलिएट लिंक्स डालकर एफिलिएट मार्केटिंग से भी बहुत अच्छी कमाई कर सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि अगर ब्लॉग शुरू करने से पहले ही हम थोड़ी सी रिसर्च कर लें और एक अच्छा टॉपिक चुन लें या एक अच्छा सब्जेक्ट चुन लें जिस पे हमारा मन लगता है और उसकी पहचान होगी, कि आप देखें कि अगर आपने एक टॉपिक तो आज शुरू कर लिया, पर क्या एक साल बाद भी आप उतने ही एंथुसियास्टिक होंगे उसके अंदर और ज़्यादा आर्टिकल्स लिखने के? क्या आप 100 या उससे भी अधिक आर्टिकल्स लिख सकते हैं उस विषय में? अगर हाँ, तो आपको वही टॉपिक, वही सब्जेक्ट चुनना चाहिए। शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप हैं करियर्स एंड मनी चैनल पर, जहाँ पर हम आपके लिए बहुत सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर वीडियोस लेकर आते हैं जिससे कि आपकी ऑनलाइन ऑफलाइन इनकम बढ़े और आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा हो। हमारे वीडियोस के सब्जेक्ट रहते हैं मेकिंग मनी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, फ्रीलांसिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, ब्लॉगिंग, जॉब्स, करियर्स, इंटरव्यूज एटसेट्रा एटसेट्रा। हमारी सबसे पहली निश है टेक निश। आज टेक्नोलॉजी ने, जैसे कि आप देख रहे हैं, हमारी लाइफ के हर एस्पेक्ट में एंट्री कर ली है, चाहे वो हेल्थ है, चाहे वो फिटनेस है, चाहे वो पेंटिंग बनाना ही क्यों ना हो, हम टेक्नोलॉजी की मदद ले रहे हैं। तो क्यों नहीं हम इस निश को चुनें और उसके अंदर ब्लॉगिंग शुरू करें। टेक्नोलॉजी में जाने से पहले मैं आपको कहूँगा कि टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसलिए आप टेक्नोलॉजी को एज सच मत चुनिए, आप उसके अंदर सब निश यानी कि छोटी छोटी निश चुन सकते हैं। वो निश कौन सी होंगी, मैं आपको 2 या 3 एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि सबसे पहली निश होगी मोबाइल टेक्नोलॉजी। जी हाँ, आज हर व्यक्ति के पास एक मोबाइल फोन है। मैं कहीं पढ़ रहा था कि भारत में 450 मिलियन मोबाइल कनेक्शंस हैं। इसका मतलब है कि हमारे पास 45 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनके पास मोबाइल कनेक्शंस हैं। तो क्या 45 करोड़ मोबाइल फ़ोन हमारे देश में रिप्लेस नहीं होते हैं? बहुत तेज़ी से रिप्लेस होते हैं। और इसी तरह से अगर आप विश्व की मोबाइल फ़ोन की कनेक्शंस या मोबाइल फ़ोन की कंजम्पशन की बात करें तो ये एक बहुत माइंड बॉगलिंग फिगर हो जाएगी। और इसलिए अगर हम मोबाइल फ़ोन रिव्यू को ही पसंद कर लेते हैं तो चाहे ये YouTube चैनल हो, चाहे ब्लॉगिंग हो, चाहे एफिलिएट मार्केटिंग हो, इससे हमको बहुत अच्छा फ़ायदा होगा और आने वाले समय में इसकी सर्चेस भी बढ़ेंगी। आइए इसको मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूँ। इसके लिए मैं गया गूगल ट्रेंड्स पर और गूगल ट्रेंड्स पर मैंने एंटर किया मोबाइल फ़ोन और आप देखिए ये है पिछले 5 साल का डेटा। मैंने जानबूझकर पिछले 5 साल का डेटा लिया है ताकि हमें ट्रेंड का अच्छा खासा अंदाज़ा हो जाए। और आप देखेंगे कि इसका सर्च स्कोर 100 तक भी पहुंच जाता है और ये कभी भी 65 या 70 के बहुत नीचे नहीं गया है। इसकी बड़ी ही कंसिस्टेंसी लाइन बनकर आ रही है। तो इसका मतलब है मोबाइल फ़ोन की सर्चेस स्टेबल रहेंगी आने वाले समय में भी, एटलीस्ट अगले 2 या 3 या 4 साल, जब तक कि मोबाइल फ़ोन को रिप्लेस करने वाली कोई टेक्नोलॉजी नहीं आ जाए। हमारी दूसरी सब निश टेक्नोलॉजी के अंदर हो सकती है पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर के बिना आज तो गुजारा ही नहीं है। आई एम श्योर कि अगर आप अभी इस पिछले 1 या 2 महीने का सिनेरियो देखें तो शायद घर में 1 या ज़्यादा से ज़्यादा 2 लैपटॉप थे, पर अगर
आज की एक एवरेज फैमिली जिसमें चार मेंबर्स हैं, आप देखेंगे कि सबके पास अपना अपना लैपटॉप अब हो गया है। क्यों? क्योंकि बच्चों को स्कूल की पढ़ाई करनी है, जो ब्रेड अर्नर है उसको अपने ऑफिस का काम करना है, और हस्बैंड और वाइफ दोनों ही काम कर रहे हैं तो उनको भी अपना अपना लैपटॉप चाहिए ही चाहिए। तो इसके लिए भी अगर हम फिर से गूगल ट्रेंड्स की तरफ जाएं, तो मैंने एंटर किया पर्सनल कंप्यूटर्स, और इसमें भी मैं देखूंगा पिछले 5 साल के ट्रेंड में ये थोड़ा सा नीचे गया है, पर शायद 2020 में इसने फिर स्कोर पॉइंट 100 टच कर लिया है। तो ये एक अच्छी निश कही जा सकती है। टेक्नोलॉजी निश में बहुत सारी सब निशेज हो सकती हैं, पर मैं एक और निश आपके सामने पेश करूंगा और वो है ब्लॉकचेन निश। जैसे कि आप जानते हैं क्रिप्टो करेंसीज अब बहुत तेजी से हमारे दिमाग में चल रही है, और भारत नहीं तो कम से कम वेस्ट में क्रिप्टो करेंसीज का चलन बहुत बढ़िया हो गया है, और इस पे आप बहुत सारे टॉपिक्स ढूंढ के लिख सकते हैं, जैसे कि माइनिंग, ट्रेडिंग, डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिप्टो करेंसीज वगैरह वगैरह। हमारी दूसरी निश है डिजिटल मार्केटिंग या इंटरनेट मार्केटिंग। मुझे कहने की जरूरत नहीं होगी, मुझे एम्फेसाइज करने की जरूरत नहीं होगी कि इस समय डिजिटल मार्केटिंग या इंटरनेट मार्केटिंग कितने जोरों पर है। इसका भी उदाहरण आपने पिछले 3 महीनों में देख लिया होगा। कोई भी व्यक्ति अपने लिए नई शर्ट, या कोई भी लेडी अपने लिए नया सैंडल या अपने लिए नया मेकअप का सामान खरीदे ना खरीदे, परंतु हर व्यक्ति डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से पूरी दुनिया से जुड़ा हुआ है। दूसरा, आज बिजनेस को सिर्फ प्रिंट एडवर्टाइजिंग या रेडियो टीवी एडवर्टाइजिंग से ही उनका गुजारा नहीं होता है। इसके लिए अब सभी लोग बड़ी तेजी से डिजिटल मार्केटिंग का सहारा ले रहे हैं, अपनी ब्रांड प्रमोशन के लिए, अपनी सेल्स मार्केटिंग के लिए, और बहुत सारी इंफॉर्मेशन डिसमिनेट करने के लिए। तो डिजिटल मार्केटिंग में भी टेक्नोलॉजी की तरह बहुत सारे सब निशेस हैं। मैं बिल्कुल एडवाइस नहीं करूंगा, अगर आप अकेले हैं या सिर्फ एक या दो लोग हैं तो पूरी की पूरी डिजिटल मार्केटिंग पर ही आप ब्लॉगिंग करना शुरू कर दें। इसमें से आप छोटी छोटी निश पकड़ सकते हैं, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये निशेस भी अपने आप में बहुत बड़ी हैं और बहुत प्रॉफिटेबल हैं। जैसे कि वेबसाइट्स, SEO, सोशल मीडिया मार्केटिंग, मोबाइल ऐप्स, सर्च इंजन और ईमेल वगैरह वगैरह। इसमें आप न केवल ब्लॉगिंग कर सकते हैं जिससे कि आप एडसेंस या दूसरे एड नेटवर्क से पैसा कमा सकते हैं, पर इसमें बहुत सारे टूल्स, सॉफ्टवेयर्स, उनकी आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं और बहुत अच्छी इनकम कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं भी बहुत सारे एफिलिएट टूल्स और सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ, और इनकी इन्फॉर्मेशन मैंने अपनी वेबसाइट पर दे दी है। आप चाहें तो आप मेरे उस पेज को देख सकते हैं। इस पेज का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप देख सकते हैं कि मैं कौन से प्रोडक्ट जिनको मैं यूज़ कर रहा हूं, या कौन से प्रोडक्ट जिनकी मैं एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा हूं। आप चाहें तो आप स्वयं भी उन प्रोडक्ट्स की एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, और उससे पहले ज़रूरी है कि आपको उन प्रोडक्ट्स को खुद भी यूज़ करना चाहिए। इसमें मैं आपको बहुत जल्दी से दिखाना चाहूँगा गूगल ट्रेंड्स पर। तो गूगल ट्रेंड्स पे मैंने डिजिटल मार्केटिंग पहले से ही डाला हुआ है, और उसका चार्ट हमारे सामने है। आप देख रहे हैं कि 2015 के मुकाबले में 2020 में ये 100 तक पहुँच गया है। इसका मतलब डिजिटल मार्केटिंग पीक पर है, और अभी बहुत सारे समय के लिए पीक पर ही रहेगा। अब हम चलते हैं तीसरी निश की तरफ। हमारी तीसरी निश है पर्सनल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट निश। देखिए, जब आप इतना सारा पैसा कमा लेंगे या आप पहले से ही कमा रहे हैं, तो नेचुरल बात है कि आप उस पैसे को कैश के रूप में घर में नहीं रखेंगे, या उसको सिर्फ अपने सेविंग्स बैंक अकाउंट में डालकर खुश नहीं होंगे। इवन FD में भी हमें बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलेगा। इसलिए ज़रूरी है इनकम टैक्स प्लानिंग की जाए, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग की जाए, और आने वाले समय में हमारे क्या गोल्स हैं, उसके लिए हमें कितना धन चाहिए होगा, गाड़ी लेनी है, बच्चों का स्कूल में एडमिशन करना है, या हायर एजुकेशन करनी है, या बच्चों की आज से कुछ साल बाद शादी करनी है, उस सब के फाइनेंशियल गोल्स होंगे, और उसके लिए हमें इन्वेस्टमेंट करके ही फ़ायदा होगा। यानी कि जिसको कहते हैं लेट मनी अर्न मनी फॉर यू,
या इसको कहते हैं कि जब आप सो रहे हो तब भी आपका पैसा आपके लिए पैसा कमा रहा हो, तो ये भी एक बहुत बड़ी निश है। इसमें भी हम छोटी छोटी निश ढूंढ सकते हैं, और वो छोटी छोटी निश तो सिर्फ मेरा कहना था, वो निशेस भी अपने आप में बहुत बड़ी हैं। तो सबसे पहली निश होगी स्टॉक मार्केट। आप देख ही रहे हैं कि स्टॉक मार्केट कितनी अच्छी चल रही है डिस्पाइट दी कोविड 19 अटैक, क्योंकि लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, लोग डरे नहीं हैं। तो स्टॉक मार्केट पे बहुत सारा कंटेंट लिखा जा सकता है। उसके बाद दूसरी है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट भी हमेशा लिक्विडिटी रही है। तीसरी है क्रेडिट कार्ड निश। अगर मैं आपको गूगल ट्रेंड पे क्रेडिट कार्ड दिखाऊं तो आप देखेंगे कि क्रेडिट कार्ड पिछले 5 सालों से 90 के ऊपर उसका सर्च स्कोर रहा ही रहा है। और अगर ओवरऑल हम इन्वेस्टमेंट को देखें गूगल ट्रेंड्स पे, तो ये भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो इसलिए पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट अपने आप में एक बहुत अच्छी निश है, और उसके अंदर जो सब निश है वो आपने अपनी स्क्रीन पर देख ही ली है। हमारी चौथी निश, इसके बारे में बताने से पहले मैं कहूँगा कि देखिए, हमने बहुत अब भारी भारी बातें कर ली। हमने टेक की बात कर ली, हमने फाइनेंस की बात कर ली, डिजिटल मार्केटिंग की बात कर ली, तो अब कुछ प्यार मोहब्बत की बात की जाए। यहाँ आपने हिंट पकड़ ही लिया होगा, मैं बात कर रहा हूँ लव एंड रिलेशनशिप निश की। ये एक बहुत बड़ी निश है, और इसकी वजह बिल्कुल साफ है। हर आदमी चाहता है कि उसे कोई प्यार करे और वो किसी को प्यार करे, तो उसके लिए वो चाहेगा कि वो रिलेशनशिप में एंटर करे, शादी करे। और इसके साथ ही साथ आज लोगों के मूड इतने जल्दी जल्दी बदल रहे हैं कि आज रिलेशनशिप में हैं तो कल ब्रेकअप हो गया, और परसों फिर एक नए रिलेशनशिप में एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये रिलेशनशिप निश कितनी बड़ी है क्या आप जानते हैं? इस रिलेशनशिप निश का साइज केवल USA में $2.5 बिलियन है। जी हाँ, $2.5 बिलियन। और इस निश में आप बहुत सारे सब्जेक्ट या सब निश पर आप लिख सकते हैं। इस निश में आपको बहुत सारे एफिलिएट प्रोग्राम मिल जाएंगे अगर आप क्लिक बैंक में जाएं, जैसे कि हिज सीक्रेट ऑब्सेशन, टेक्स्ट केमिस्ट्री वगैरह वगैरह। लाइट मूड को कंटिन्यू करते हुए हमारी पांचवी निश है म्यूजिक एंड मूवी निश। हम सब म्यूजिक पसंद करते हैं, हम सब मूवी देखना चाहते हैं। डिपेंड करता है कि हमें कौन सा म्यूजिक पसंद है, या हमें कौन सी मूवी पसंद है, या किस जॉनर की मूवी पसंद है, और हमारे पास समय कितना है। पर हम सब म्यूजिक और मूवी इस दोनों के तो दीवाने रहते ही रहते हैं। तो इस निश में आप फिर से कुछ सब निशेस ढूंढें और उसके अंदर आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं, जैसे कि म्यूजिक निश, जैसे कि म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स निश, जैसे कि मूवी रिव्यू निश। और मूवी रिव्यू में भी आप बॉलीवुड, कॉलीवुड, टॉलीवुड, इन सब के रिव्यू के साथ साथ हॉलीवुड मूवीज के भी रिव्यू कर सकते हैं, अगर आपकी अंग्रेजी अच्छी है तो। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि क्लिक बैंक में भी आपको थोड़े से एफिलिएट प्रोग्राम मिल जाएंगे, जिसमें पियानो का एक एफिलिएट प्रोग्राम मेरे दिमाग में बड़ी जल्दी से आता है। और इसके साथ साथ अमेजोन पे भी बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बिक रहे हैं, और मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने डेडिकेटेड वेबसाइट्स बनाई हुई हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स पर, और वो अमेजोन से अच्छी खासी अर्निंग भी कर रहे हैं। अब दोस्तों, हमने अगर म्यूजिक की बात कर ली, लव और रिलेशनशिप की बात कर ली, तो क्या आप गेस कर सकते हैं कि हमारी छठी निश कौन सी होगी? जी हाँ, छठी निश होगी फैशन एंड ब्यूटी निश। इसमें भी मैं कहूंगा कि आप पूरा का पूरा फैशन ना लें या पूरा का पूरा ब्यूटी ना लें, इसके अंदर भी आप सब निश ढूंढ सकते हैं। पहले तो हम डिफाइन करते हैं कि फैशन से मतलब क्या है। फैशन से मतलब है कि जो भी हम अपनी बॉडी पर पहनते हैं, चाहे वो शर्ट पहनी है, चाहे वो एक्सेसरीज हैं, टाइज हैं, वॉचेज हैं, शूज हैं। और ब्यूटी में भी वही चीज़ जो हमारे सौंदर्य को बढ़ाने में मदद करती है या सौंदर्य को मेंटेन करने में मदद करती है, वो सब प्रोडक्ट्स, वो सब बातें, वो सब एक्सरसाइज, वो सब एक्टिविटीज़ इन निशेस के अंदर आती है। तो आइए मैं आपको कुछ सब निशेस के बारे में बताता हूँ। सब निशेस हो सकती हैं ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक्स,
जानते ही आप कि ये बहुत बड़ी निश है। पूरे वर्ल्ड की कॉस्मेटिक कंपनीज बिलियंस ऑफ डॉलर्स की टर्नओवर कर रही हैं। इसके साथ ही साथ होगी स्किन केयर निश। अब स्किन केयर में ज़रूरी नहीं है कि आप कॉस्मेटिक्स यूज़ करें, आप कुछ नेचुरल प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं या जैसे दादी माँ के नुस्खे होते हैं कुछ नेचुरल चीज़ें कर सकते हैं जिससे स्किन की रेडियंस, स्किन का ग्लो बरकरार रहे। इसी के साथ ही साथ एक और निश हो सकती है फैशन ट्रेंड्स। दोस्तों हमारी सातवीं निश फैशन से ही लगभग जुड़ी हुई है और वो है हेल्थ एंड फिटनेस निश। तो जब हेल्थ एंड फिटनेस की बात करेंगे तो यहां पर मैं जल्दी से आपको कुछ सब निशेस के बारे में बता देता हूं और वो हर सब निश अपने आप में एक बहुत बड़ी मार्केट लिए हुए है। ये सब निश हो सकती है वेट लॉस, ये सब निश हो सकती है फिटनेस, ये सब निश हो सकती है स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये सब निश हो सकती है डाइटिंग एंड न्यूट्रिशन। तो जैसे कि डाइटिंग एंड न्यूट्रिशन में आप बहुत सारे आर्टिकल्स लिख सकते हैं, क्या खाएं, कब खाएं, आपकी डाइटिंग प्लान क्या होनी चाहिए, आपकी एजिंग जो है वो थोड़ी धीरे हो उसमें आपकी डाइट कौन सी मदद करे, आपका हार्ट, लंग्स, लिवर, किडनीज हेल्दी रहें इसके लिए क्या खाएं या क्या ना खाएं। इसी तरह से फिटनेस में आप एक्सरसाइज या नॉन एक्सरसाइज चीज़ों की बात कर सकते हैं, इसमें भी एक्शन की बात हो सकती है, इक्विपमेंट यानी कि एक्सरसाइज के लिए कौन से इक्विपमेंट, एक्सरसाइज के लिए कौन सा जिम या एक्सरसाइज के लिए ऐसा होम जिम जो अभी अभी आया है, ये सब आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अपने ब्लॉग में और एफिलिएट मार्केटिंग करके भी आप पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों नंबर 8 बहुत इंटरेस्टिंग है अगर आप उस फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं, जी हाँ वो है पेट केयर। बाहर के देशों में पेट केयर तो पहले से ही चला आ रहा है पर अब भारत में भी पेट केयर का फैशन धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। तो अगर आपके पास कोई पेट है, अगर आप पेट लवर हैं, डॉग लवर हैं, कैट लवर हैं, फिशेस लवर हैं, तो पेट केयर पर आप लिख सकते हैं। ये बहुत ही पोटेंशियल डिश है, इसका पोटेंशियल बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और इसमें आप कुछ भी चाहें लिख सकते हैं। आप डॉग केयर, कैट केयर के बारे में लिख सकते हैं या ज़रूर कुछ ऐसे बिजनेस खुल गए हैं जहां पर डॉग डे केयर, मान लीजिए कि आप काम करते हैं घर में, आप डॉग को अकेला नहीं छोड़ना चाहते हैं या आप बाहर घूमने जा रहे हैं 10 दिन के लिए, आप डॉग को घर में अकेला नहीं छोड़ सकते हैं या डॉग की ग्रूमिंग करवानी है, उसके शैम्पू, नेल कट, हेयर कट वगैरह करवाना है या वेटरनिटी के पास जाना है या जनरल डॉग हेल्थ की बात करनी है, तो इस पे बहुत सारे आर्टिकल्स। कल इनफैक्ट मैं AHRefs पे काम कर रहा था तो मुझे बहुत सारे आर्टिकल्स मिले, तो मैंने पेट केयर के अंदर कुछ हाई CPC लो कॉम्पिटिशन कीवर्ड्स के ऊपर एक वीडियो भी अपलोड कर दिया है, उसे आप ज़रूर देखें अगर आप पेट केयर निश में ब्लॉगिंग शुरू करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ स्पेसिफिक निशेज आपके सामने बोलना चाहूँगा अपने लैपटॉप से पढ़कर, वह है पेट क्लोथ्स एंड एक्सेसरीज, पेट ग्रूमिंग और पेट डाइट एंड रेसिपीज और चौथा है पेट हेल्थ टिप्स। हमारी नवी निश इस वीडियो की है सेल्फ इम्प्रूवमेंट। जी हाँ, अब हम सब बहुत अवेयर होते चले जा रहे हैं क्योंकि हमारी एम्बिशंस बढ़ती जा रही हैं और हमारे पास इंफॉर्मेशन है। हम ये भी देख रहे हैं कि हमारे साथ वाला या हमारे सामने वाला कितनी लाइफ में तरक्की कर रहा है और हमें भी तरक्की करनी चाहिए। मेरा हिंट है पर्सनल डेवलपमेंट या पर्सनल इम्प्रूवमेंट के ऊपर। हम सब इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, चाहे वो करियर का क्षेत्र हो, चाहे वो हेल्थ का क्षेत्र हो, चाहे वो कम्युनिकेशन का क्षेत्र हो, चाहे वो रिलेशनशिप का क्षेत्र हो, हमको कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट का स्कोप दिखता ही रहता है। तो इसके लिए बहुत सारे एफिलिएट प्रोग्राम्स आ गए हैं, आप उनको अवेल कर सकते हैं और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिस पर मैं स्वयं वीडियोस बनाता हूं और ब्लॉगिंग करता हूं। 2 या 3 स्पेसिफिक सब निशेस आपके सामने रखना चाहूंगा। एक है कम्युनिकेशन स्किल्स एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स, दूसरी है लीडरशिप स्किल्स, तीसरी है पेरेंटिंग स्किल्स। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इन एग्जाम्पल से अब आप भी और ज़्यादा क्रिएटिव हो सकते हैं और कहीं ना कहीं अपने लिए एक सब निश जो प्रॉफिटेबल है, जो आपकी मनपसंद है, उसको चुन सकेंगे। इस वीडियो की आखिरी और हमारी तरफ से 10वीं सजेस्टेड निश है मेंटल कोचिंग और लाइफ कोचिंग।
देखिए, हम सब की जिंदगी में कभी ना कभी उतार चढ़ाव आते हैं। कभी आदमी इतना उदास हो जाता है कि वह एक्सट्रीम स्टेप लेना चाहता है। हो सकता है उसको बैंक्रप्सी का सामना करना पड़े, हो सकता है उसको डिवोर्स का सामना करना पड़े, हो सकता है कि उसको अनएम्प्लॉयमेंट का सामना करना पड़े। और कभी लाइफ इतनी आसान हो जाती है, इतनी बढ़िया हो जाती है कि लगता है कि हम आसमान को भी छू सकते हैं। तो जब व्यक्ति थोड़ी नीचे की तरफ होता है, निचाइयों में होता है, तो उसको ज़रूरत होती है एक लाइफ कोच की, या ज़रूरत होती है एक मेंटोर की, या ज़रूरत होती है एक करियर कोच की, या ज़रूरत होती है एक रिलेशनशिप कोच की। तो इस क्षेत्र में आप बहुत कुछ लिख सकते हैं। ये सेल्फ डेवलपमेंट निश से काफ़ी दोस्ती रखता है ये निश, और इसमें एफिलिएट प्रोग्राम्स भी बहुत सारे हैं, बस ढूंढने निकलिए। और अगर आपको नहीं मिल रहे हैं तो आप नीचे कमेंट करिए, मैं अगले वीडियो में अच्छे अच्छे एफिलिएट प्रोग्राम्स ढूंढ के आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा। तो जैसे कि मैंने कहा कि एक तरफ तो है डिप्रेशन, OCD, एंग्जाइटी, वरी, ओवरथिंकिंग, और दूसरी तरफ इनको कोप अप करवाने के लिए हमारे पास है लाइफ कोच, सक्सेस कोच, मेंटरिंग, बिजनेस कोच एट्सेट्रा। तो ये फील्ड अपने आप में बहुत बड़ा है और इसका पोटेंशियल भी बढ़ता ही चला जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये 10 निश को आपने अच्छे से नोट कर लिया होगा। ज़रूरी नहीं है कि आपको सारी निशेस याद रहेंगी, तो आप इस वीडियो को पॉज करके या रिवाइंड करके आप देख सकते हैं और अपने लिए एक बढ़िया सी निश, बल्कि मैं कहूँगा सब निश से शुरुआत करें, सब निश का चुनाव करें और उस पर आज ही ब्लॉगिंग शुरू कर दें, एफिलिएट मार्केटिंग शुरू कर दें और खूब पैसा कमाएं। तो मिलते हैं जल्दी से एक नए वीडियो में। और हाँ, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं तो आप हमसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं।